हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी का आपके परिवार संदीप सर जी के में स्वागत करता हूँ। चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज डेट है 10 अक्टूबर 2019। तो 9 अक्टूबर 2019 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं फिर से बोलता हूँ कि यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, ना तो बेवजह एक घंटे वीडियो खींचना है बेवजह की फालतू बातें करके। ना मेरा इस ये वीडियो का जो मकसद ये है, अगर आपने कल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, आज सुबह उठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं, 10, 11, 12 मिनट का वीडियो होता है, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको क्यों रिवाइज हो जाए। एक दूसरा, 8:30 बजे 8:30 मिनट में एक वीडियो आएगा जहाँ पर 15 क्वेश्चन करेंगे। पिछले एक दो दिन का जो एक भी दिन पकड़ते हैं, एक दिन का 15 क्वेश्चन करते हैं, तो आपका एक पूरा ऑल ओवर करंट अफेयर्स कवर हो जाए। बेवजह एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना है और एग्जाम को फोकस करना है, ठीक है। ये वीडियो रेलवे, एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, जितने एग्जाम्स होते हैं वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, यहाँ के वहाँ की बातें नहीं करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर सारी क्लासेस जीके की फ्री होती हैं, साइंस हो चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे जीके हो। चलिए देखिए क्या लिखा है। द गोवा गवर्नमेंट लॉन्च्ड 112 एज द न्यू इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर। गोवा सरकार ने पुलिस, आग और चिकित्सा आपातकालीन संपर्क के लिए, मतलब इसके लिए पुलिस के लिए इमरजेंसी आग वगैरह लग जाए कहीं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फायर के लिए और मेडिकल के लिए एक नंबर लॉन्च किया है। 112 नंबर होगा, ठीक है, याद रखना। हम हर जगह देखिएगा 100 नंबर होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर गोवा में 112 नंबर लॉन्च किया गया है। प्रमोद सावंत ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको मालूम है जनरली 100 नंबर होता है, लेकिन ये 112 नंबर है, तो हो सकता है सवाल आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, सिंगापुर 2019 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जीसीआई मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। कौन? जीसीआई जो है, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, इसमें सिंगापुर किस नंबर पे है? शीर्ष फर्स्ट नंबर पे है, अमेरिका सेकंड नंबर पे है, और इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया 68 नंबर पे है। क्लियर है? यहाँ से इस वाली जो आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले बनता है, भैया ये बताओ जीसीआई कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? आप बोलोगे भैया WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। एक क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, 2019 में फर्स्ट नंबर पे कौन है? आप बोलोगे सिंगापुर है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे कौन है? आप बोलोगे अमेरिका है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया किस नंबर पे है? आप बोलोगे 68 नंबर पे है। क्लियर है? चलिए, एक दिन एक वीडियो लगाऊंगा, अब बस समय की दिक्कत हो जाती है बाबू। आप देखते हो दिन में 12-12, 13-13 वीडियोज़ होते हैं। नहीं तो मेरा प्लान है कि WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आता है, 3-4 मिनट का वीडियो हो जाए बेहतरीन शानदार तरीके से। सिर्फ इतना बता दूँ कि भाई कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। देखते हैं, समय निकालते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए, अनामुला गीतेश शर्मा नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया, है ना। हाई कमिश्नर्स होते हैं, आपको मालूम है हर कंट्री, जैसे इंडिया के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये हर देश में जाते हैं, इनके ऑफिसर्स पूरा ऑफिस होते हैं, एम्बेसी जिसको बोलते हैं, है ना। इनका काम क्या होता है? दोनों देश के बीच में रिलेशंस को अच्छा करना होता है। उसके बाद में यहाँ के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली बात करूँ तो वहाँ कोई पासपोर्ट की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सब डील करते हैं लोग, ठीक है, याद रहेगा। तो हम कौन है? गीतेश शर्मा, अनामुला गीतेश शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नए कमिश्नर बनाया गया है। क्या बनाया गया इनको? अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछता है इस टाइप में, ठीक है। स्पेशली तब से और पूछने लगा है, जब से कि एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है, तब से और पूछने लगा, क्योंकि एस जयशंकर भी पहले IFS ऑफिसर थे, इस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे ये देखिए, मिताली राज बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 20 ईयर्स इन ODI। याद रखना, ये इंडियन क्रिकेटर नहीं, ये वर्ल्ड की क्रिकेटर बन गई है। भारतीय क्रिकेटर, भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज 8 अक्टूबर 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 ईयर्स इन्होंने पूरा कर लिया है। बहुत बड़ी बात होती है मिताली राज ने की है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अमूमन जो बॉयज़ होते हैं वो 10-12 साल खेल पाते हैं, गर्ल्स जो क्रिकेटर्स होती हैं वो 8-9 साल बहुत होता है, लेकिन इन्होंने 20 ईयर्स कंप्लीट किया है। आगे, सिमोन बाइल्स वन द 21st वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप मेडल। जो सिमोन बाइल्स हैं, जर्मनी के स्टटगार्ट में विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 का आयोजन करके रिकॉर्ड बनाया है।
जीतकर, है ना। सिमोन बाइल्स सेट द रिकॉर्ड बाय क्लिंचिंग द वर्ल्ड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 इन स्टटगार्ट जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए नोबेल प्राइज आ गया भाई साहब फिजिक्स का। तो नोबेल प्राइज 2019 फिजिक्स कैटेगरी फॉर न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, तो तीन लोगों को मिला। तीन अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक मिशेल मेयर है, इंपॉर्टेंट है, स्वीडन के हैं, सॉरी स्विस है, है ना। दूसरा डिडियर कैलोज है, ये भी स्विस है मतलब, ठीक है आपके। नेक्स्ट कनाडाई, ये आपका अमेरिकी फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। जल्दी बताओ, जो मैं बार बार स्विस स्विस बोल रहा हूँ, आपने कोई स्विस बैंक का नाम सुना है? बोलते स्विस बैंक स्विस बैंक स्विस बैंक। बस अगर जिसने स्विस बैंक का नाम सुना होगा तुरंत बता दिया कौन सी कंट्री, कंट्री का नाम बताओ जल्दी, कौन सी कंट्री स्विस कंट्री कौन सी कहलाती है। मिशेल मेयर और डिडियर केलोज जो है ये आपके स्विस है। जल्दी बताओ स्विस का मतलब क्या है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, या कि स्वर्ग, और क्या हो सकता है तीनों में जल्दी बताओ, है ना। और बाकी कनाडा ये कौन है आपके, जेम्स पीबल। ये तीनों को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे ये देखिए नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री जॉन बी गुड एनफ, एम स्टैनली और अकीरा योशिनो ने 2019 के लिए रसायन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रमेश पांडे टू रिसीव एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंटल अवार्ड। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर रमेश पांडे को 2019 के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। क्लियर है, चलिए आगे इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए। ये देखिए कल 9 अक्टूबर था, वर्ल्ड पोस्ट डे था, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज 10 अक्टूबर है और आपको मालूम है कि आज के दिन 1906 में भारतीय उपन्यासकार आर के नारायण का जन्म हुआ था। बहुत फेमस है, आपने बचपन में अगर मालगुडी डेज देखा होगा डिलीवर में, तो ये इन्होंने ही लिखा था उस बुक को। ठीक है, इनका पहला जो उपन्यास नॉवेल था इसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स छापा। ठीक है, उसके बाद 1945 में इंग्लिश टीचर उपन्यास छापा जिनकी शादी पर था। 1953 में इनका आता है कौन आपका, किताब यूएस में पहली बार प्रकाशित हुई थी। और 1958 में आया था द गाइड, आपने बुक में सुना होगा ना द गाइड, किसने लिखा है तो आप लिखते हो आर के नारायण, यही है। ठीक है, अगर अवार्ड की बात करते हैं तो 1958 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, 1964 में पद्म भूषण, 1980 में एसी बेसन और 2000 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 13 मई 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी 95 ईयर्स में। चलिए आगे, आज 10 अक्टूबर है, आज रेखा जी का जन्मदिन है। आपको मालूम है रेखा को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। नेक्स्ट, आज ही के दिन 2011 में आदरणीय जगजीत सिंह साहब का निधन हो गया था। क्लियर है, जगजीत सिंह साहब का 2011 में निधन हो गया था। क्लियर, चलिए। तो डेली का जो करंट अफेयर्स का डोज है इतना, गिने चुने 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, 8-9 इंपॉर्टेंट न्यूज आती हैं डेली की, वो 8-9 इंपॉर्टेंट डेली 5-10 मिनट का वीडियो होगा। ये वाला वीडियो होगा कितने मिनट का, 9 मिनट्स का, बिल्कुल। तो 9 मिनट्स की वीडियो में थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे तो 7-8 मिनट में आराम से चाय पीते पीते देख लीजिए, चाय बनाते बनाते देख लीजिए, नाश्ता करते करते, ब्रेकफास्ट करते करते देख लीजिए, कुछ भी करते, आप बैठे हैं, मन नहीं लग रहा किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने बैठे बैठे वेट करते करते इंतजार करते करते आपने देख लिया, समझ गए। मैं फिर से बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपका पूरा एक दिन का करंट अफेयर्स फिनिश जाता है। और जो इसमें कोई चीज़ छूटती है वो मैं 8:30 में करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होता है उसमें कराता हूँ। तो ओवरऑल आपका 8-10 मिनट यहाँ के हो गए, 10 मिनट वहाँ के हो गए, 20 मिनट में पूरा एक दिन का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया। मैं गारंटी देता हूँ आप जब पेपर देके जाइएगा यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, क्योंकि यही सेम चीज़ मैं MPPSC के लिए सेम नोट्स पढ़ रहा हूँ। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर 77,000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर संदीप सर जी के ऑफिशियल डालिएगा, 77,000 लोग होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। कुछ लोगों ने फर्जी बना लिया है टेलीग्राम ग्रुप संदीप सर के नाम से, पता नहीं क्या क्या, याद रखिएगा पहचान का सबसे बेस्ट तरीका है 77,000 लोग हैं, 77,000 लोग हैं संदीप सर जी के नाम से, जाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं 8:30 करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में, 9 ट्रिक वाली क्लास में। बाकी एज यूजल सारी क्लासेस चल रही हैं, धुआंधार क्लास चल रही हैं, आप लोगों का इतना प्यार और इतनी जो मोहब्बत और सपोर्ट है जो मुझे 12-12 13-13 क्लास लेने के लिए भी मजबूर कर देता है, मैं लेता भी हूँ। बाय बाय, टेक केयर।